हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहां पर आपको इंस्टेंट जो भी डाउट होगा उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। इंस्टेंट बोलने का मतलब 24 आवर्स के विदिन दिया जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप पूछे तुरंत आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 24 आवर के विदिन हम जरूर आपको कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं हम आपसे ये वादा कर चुके हैं कि हम जरूर से जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आज जो हम लोग स्टेट रैंक कर रहे थे उसमें हम लोग आगे आगे हैं। स्टेट रैंक में कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स, यानी कि जो जनरल फॉर्म हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, शायद याद होगा आप लोग को, मैंने बताया भी था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना। तो आप कहेंगे सर इतने सारे फॉर्म हम लोग पढ़े हुए, 6, 7, 8, 9 टाइप के फॉर्म है, तो कितने टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। तो जनरली हम लोग को इसको 3 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ना है। तो इसका मैं ऐसे ही चार्ट बनाकर बता देता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहला हम लोग कन्वर्ट करना है स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है पहला फॉर्म, दूसरा से इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है हम लोग को, और तीसरा जो हमारे पास है उसको हमको कन्वर्ट करना है नॉर्मल, और दूसरा नाम क्या कहता परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, परपेंडिकुलर फॉर्म में, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। सर का मैं यहां पे थोड़ा सा फॉर्म लिख भी देता हूं ताकि आपको ज्यादा दिमाग में क्लियर आए। तो y cos mx + c एक हो गया, अदर हो गया x upon a plus y upon b equals to 1, और ये हो गया x cos alpha plus y sin alpha is equals to t हो गया। ये तीन फॉर्म हो गए हमारे पास। अब थोड़ा सोचिए जाए कि क्या करना है हम लोग को। तो थोड़ा सा दिमाग में अगर हम लोग अपना जोड़ डालें तो इस वाले फॉर्म में इस वाले फॉर्म में क्या डिफरेंस है थोड़ा देखा जाए। तो यहां पे देखिए वाई सब्जेक्ट है, यहां पे वाई सब्जेक्ट नहीं है। तो यानी कि अगर यहां के फॉर्म में चेंज करना हो तो मेरे पास एक टारगेट होगा, क्या मेक वाई एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाना हम लोग को क्या करना है वाई को ऐसे सब्जेक्ट में करना, ठीक है। तो बस हमारा एक ही टारगेट है कि ए एस प्लस बी वाई प्लस सी को हम लोग क्या करें कन्वर्ट करें किसमें, सब्जेक्ट बना के। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, देखिए तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, और अगर इसको इसको कंपेयर आपस में कर ले हम लोग तो then we get the result m equals to minus a by b and small c equals to minus capital c upon b। तो m जो होता है स्लोप होता है, माइनस क्या हो जाएगा भाई कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y, मैंने कल बताया भी था इसको प्रीवियस वीडियो में आपको, ठीक है। c जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं हम लोग, इसका नाम रखा गया क्या y इंटरसेप्ट, ये होता है माइनस c क्या है यहां पर कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, देखिए कितना इजीली हमने कर दिया। बहुत ज्यादा टेंशन हमको नहीं लेना, बस एक छोटा सा ट्रिक होगा वही चीज आपको समझना है बस, और कुछ टेंशन लेने की जरूरत हमारे लिए नहीं है। ये देखिए पहला फॉर्म ने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म, और इस फॉर्म में फिर से मैं पूछूं क्या रिलेशन है। तो आप देखिए यहां पर कॉन्स्टेंट सी है, यहां पर कॉन्स्टेंट वन है, ठीक है। तो मेरा एक टारगेट हो गया मेक कॉन्स्टेंट यूनिटी, क्या बनाता है यूनिटी, लेकिन कौन सा यूनिटी बनाना है प्लस वन बनाना है, जो भी हमारा कॉन्स्टेंट होगा क्या बनाना है हम लोग को प्लस वन बनाना है। तो फिर से लॉजिक लगाते हैं भाई हम लोग अपना, तो भाई हम लोग को प्लस वन बनाना है तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिख दिया, कॉन्स्टेंट को मैंने पहले पॉजिटिव बना लिया। अब वन बनाने के लिए किसी चीज को वन बनाने के लिए उसी नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं भाई, फाइव को मैंने कहा वन बनाइए तो फाइव से फाइव को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा वन बन जाएगा हमारा। तो अब क्या करेंगे इसमें हम लोग सी से सबको डिवाइड कर देंगे भाई, कन्वर्ट हो गया। अब इसको इस फॉर्म में लिखना हम लोग को, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा जा रहा है, x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी दिस इक्वल्स टू 1। अब स्मॉल a जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या x इंटरसेप्ट, इट इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए विच इज माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ x, b जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ये है माइनस सी बाई बी जो होगा माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ y। ये ऑफ है भाई, थोड़ा ध्यान देखिएगा मेरा ऑफ थोड़ा सा अजब सा बन जाता है तो आप समझ जाइएगा कोफिशियंट ऑफ x एंड कोफिशियंट ऑफ y। ये देखिए ये आपके पास निकल के चला आया भाई हमारे पास a और b की वैल्यू, देखिए कितना इजीली कर लिया। तो बस हमारा मेन टारगेट जो है जिसको मैं प्लस कर देते हैं बस इस पे आप फोकस करिए, बाकी कन्वर्ट अपने मन से होगा, ठीक
ठीक है। तो ये दो फॉर्म में आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा थोड़ा सा टफ होगा, आपको भी पता है कि भाई नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंगुलम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अल्फा और एक नॉर्मल फॉर्म में परपेंडिकुलर लेकर आना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास जो स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स को बहुत ध्यान से लर्न करिएगा। पहला स्टेप है कि मेक कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट विथ पॉजिटिव साइन। कैसे बनाना है? पॉजिटिव साइन के साथ, ध्यान रखना भाई पॉजिटिव साइन होना चाहिए। क्या रखना है हम लोग को ध्यान? पॉजिटिव साइन, ध्यान से देखिए भाई, हो जाएगा मेरा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी। स्टेप नंबर टू, डिवाइड होल इक्वेशन बाय, बाय किसे डिवाइड करना भाई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी कैपिटल ए स्क्वायर एंड कैपिटल बी स्क्वायर, मुझे लगा मैंने स्मॉल लेटर में लिया है। कैपिटल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर का सम से डिवाइड कर देना है। ये काम आपने किया भी है कहां पर? जब आपने पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा होगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा। अब इससे पूरे को डिवाइड कर दें तो माइनस ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, फिर बनेगा आपका माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो स्टेप आपको याद रखते हैं। अब आपके दिमाग में बैठ रहा होगा क्यों हमने इसको पॉजिटिव बनाया, क्योंकि यहां पे ये लेंथ था और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी हैव टू मेक कांस्टेंट एज अ पॉजिटिव साइन। ठीक है भाई, अब चलिए इससे मैं एक ट्रायंगल थोड़ा बनाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस एंगल को मैंने अल्फा बोला, क्या बोला इस एंगल को मैंने? अल्फा। इसको मैंने बोला माइनस ए, इसको मिला मैंने माइनस बी, तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस ट्रायंगल से मैंने पूछा अगर आप साइन अल्फा बताइए तो फटाक से सर माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा कॉस अल्फा बताइए तो आप कहेंगे सर माइनस ए अपॉन अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बेसिस में देखिए जो पहला वाला पार्ट है ये कन्वर्ट होगा किसमें? कॉस अल्फा में। तो ये दूसरा वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा भाई? साइन अल्फा में। और तीसरा इसको क्या बोल देंगे हम लोग? पी, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने का तरीका हो गया तीनों फॉर्म में। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, इसमें बस हम लोग का एक स्टेप है, मेक वाई एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाते ही हम लोग के पास वाई जो सब्जेक्ट बनेगा, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसको स्लोप बोलेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट होगा उसको हम लोग कांस्टेंट ही बोलते हैं, और उस कांस्टेंट का नाम रखा गया वाई इंटरसेप्ट, और स्लोप का वैल्यू आपको पता चलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहां से आ गया। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई? इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास क्या है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे खाली कि कांस्टेंट को हम लोग यूनिटी बनाएंगे, लेकिन कौन सा यूनिटी बनाएंगे? प्लस वन। देखिए मैंने प्लस वन बनाया, और यूनिटी बनाने यानी कि यूनिटी बनाने का मतलब जब भी हम लोग को यूनिटी बोलेगा तो जो नंबर दिया था उसी से क्या करते थे हम लोग? डिवाइड। तो हमने इसी से डिवाइड कर दिया, देखिए हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप है, बाकी दोनों में एक एक स्टेप था, इसमें भाई बड़ा था इसलिए दो स्टेप आ गए। पहला स्टेप वही है कि जो कांस्टेंट है सब्जेक्ट बनाइए पॉजिटिव साइन के साथ। रीजन आपको मैंने बाद में बता दिया कि भाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि लेंथ होता है कांस्टेंट वाला, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और फिर डिवाइड करना होल इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, टोटल का अंडर रूट लेकर उससे हम लोग पूरे को डिवाइड कर देना है। फिर इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहां पर ट्रायंगल में बता दिया कि क्यों साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इसको माइनस ए इसको माइनस बी लेंगे तो अपने मन से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोग बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो ये इतना आपके पास हो गया कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। इसको समझने में कहीं कोई परेशानी आपके पास नहीं होनी चाहिए। चलिए